कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का 25 अगस्त को पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। 3 घंटे चले पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर से पहले और बाद की पूरी वारदात का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी से पहले भी उसने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी। रेड लाइट एरिया में गया, फिर भी जब उसे शांति नहीं मिली तो उसने पीड़िता को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक संजय ने एक दिन पहले 25 अगस्त को पॉलीग्राफ टेस्ट में ये सारी बातें कही हैं। पुलिस कस्टडी में भी संजय ने रेप और मर्डर की बात स्वीकार की थी। संजय का ये कबूलनामा मर्डर और रेप के 18 दिन बाद आया है। 8 और 9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में लड़की की अर्धनग्न लाश मिली थी। सीबीआई और सेंट्रल फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स ने रविवार को 3 घंटे संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। हालांकि शुरुआत में आरोपी संजय रॉय ने कई सवालों के गलत जवाब दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक संजय रॉय इस टेस्ट के दौरान काफी परेशान नजर आ रहा था। जब सीबीआई ने उसे कई सबूतों के साथ पूछताछ की तो उसने कई बहाने बनाए। बताया जाता है कि संजय रॉय ने दावा किया कि जब उसने देखा तो पीड़िता की मौत हो चुकी थी। उसने ये भी कहा कि वह डर के मारे परिसर से भाग निकला। इन सब के बाद संजय ने कबूला कि उसी ने ट्रेनी डॉक्टर का रेप करने के बाद हत्या की थी। संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सीबीआई को बताया कि उसने 8 अगस्त को अपने एक दोस्त के साथ शराब पी थी। इसके बाद वह रेड लाइट एरिया गया था। रास्ते में उसने एक लड़की को मॉलेस्ट किया। इसके बाद संजय ने देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात की और न्यूड तस्वीरें मांगी। संजय ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे संजय हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में पहुंचा, जहां ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद वह सुबह अपने दोस्त के एक घर गया। उसका दोस्त कोलकाता पुलिस में ऑफिसर था। उधर इतने घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले संजय रॉय से लगातार हो रही पूछताछ के कारण उसे अब थकान हो रही है। वह जेल प्रशासन से सोने की इजाजत मांग रहा है। मुख्य आरोपी संजय रॉय को प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम के वीआईपी वार्ड में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। यहीं पर बंगाल के पूर्व मंत्रियों पार्थ चटर्जी और ज्योतिप्रिया मलिक सहित अन्य चर्चित कैदी भी बंद हैं। हालांकि संजय को उनसे दूर रखा गया है। संजय ने जेल प्रशासन से सोने की इजाजत मांगी थी। उसने कहा कि पिछले 2 सप्ताह से कोलकाता पुलिस और सीबीआई की लगातार पूछताछ के बाद थक गया हूं। शुरुआती दिनों में देर रात तक पूछताछ चलती थी, इसलिए सोना चाहता हूं। संजय को घटना के अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। संजय मेडिकल कॉलेज में ही सिविक वॉलंटियर था। पुलिस के बाद 14 अगस्त को ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था। इसके बाद उसे सियालदह कोर्ट में पेश किया गया। 23 अगस्त को अदालत ने संजय सहित 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दी थी। मजिस्ट्रेट के सामने रोते हुए उसने कहा, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है, शायद पॉलीग्राफ टेस्ट से मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। सीबीआई ने अदालत में दावा किया था कि गिरफ्तारी के बाद संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसमें ना कोई घबराहट थी और ना ही कोई पछतावा। उसने बिना हिचकिचाहट के पूरी घटना बताई।